नमस्कार अर्गस अपडेट सहित पूर्व बुलेटिन रही वर्तमान समय अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ताप नजर पकेबा किंतु प्रथम हेडलाइंस अभिषेक महापात्र इक्मो चिकित्सा आज एयार आंबुलांस जीवे कोलकाता आर्थिक समस्या जो ट्रिटमेंट रे होता समस्या कोविड आक्रांत हो जीवन मरण सह संग्राम करुछंती भद्रक पुओ बीजेपी रे जोग देले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद नुआ दिल्ली बीजेपी कार्यालय रे धरिले पद्म पूर्वतन मानव संबल विकास राष्ट्रमंत्री थिले जितिन रेल कंटेनर रु ऑक्सीजन लीक अग्निशम विभाग पक्षरु अम्लजान लीक को आयत कलाहांडी केसिंगा रेल स्टेशन निकट रे घटीथला घटना झारसुगुडा रु रायगडा अभिमुखे जाउथला 20 रु ऊर्ध कंटेनर रे अम्लजान विरोधी समर्थित सरपंचों विरोध में आक्शन किंतु शासक दल बेलू चुप बिवाद रे नयागढ़ जिलापाल पोमा टुडु मंत्री अरुण साहू कब्जा रे नयागढ़ जिला प्रशासन देश में क्रमगत द्वितीय दिन में कमिला संक्रमण संख्या गत 24 घंटा मध्य 92,596 जन संक्रमित चिन्हट से राज्य में आज 43 मुंड नहीं महामारी 6,019 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक आक्रांत चिन्हट आसुची आउ एक लघुचाप आसंता 11 रे बंगोपसागर रे लो प्रेशर सृष्टि हेबा संभावना प्रभाव रे कालीठू राज्यर विभिन्न स्थान रे होई परे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा जीवन मरण सहित संग्राम करुथबा अभिषेक महापात्रंक हेबो इक्मो चिकित्सा कोलकाता जिबे भद्रक रपुआ गत 22 दिन है भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल अभिषेक चिकित्सा चली स्वास्थ्यावस्था दिनकु दिन बिगुड़ू इक्मो चिकित्सा कराइबापी डाक्तर परामर्श दे आज अपराह अभिषेक को एयर आंबुलांस जोगे कोलकाता निजी सूचना मिली कोलकाता एक घर डाक्तरखाना इक्मो चिकित्सा चलो सेपटे अभिषेक व्ययबहुल चिकित्सापी आर्थिक सहायता करने को अनुरोध करत्नी मौसुमी महांति गत मे 5 तारीख में बहुत करते भद्रक जिलार युव इंजीनियर अभिषेक महापात्र बहार 8 दिन पर देह असुस्थ होता आपरे कोरोना संक्रमित चिन्हट हो राजधानी घर डाक्तरखाना भर्ती होती संतोष जेना भुवनेश्वर प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पर सीधासलख नहीं चलु संतोष आउ के समय अपेक्षा देखो निश्चित अपूर्व वर्तमान समय परिवार लोकों पक्षर जहाँ सूचना मिलूँ पखापाखि 2:15 समय वर्तमान समय अभिषेक महापात्र को भुवनेश्वर विमान बंदर अभिमुखे निजी कलिंग हस्पिटाल सीधा सड़क जो ग्रीन कॉरिडोर पर अनुमति मिली आधार में से आंबुलांस जोगे पुलिस पीसीआर सह मार्केटिंग सहित से जब सीधा सड़क आम सांग सहित जोड़ी होचु पार्थ महापात्र आम सहित जोड़ी होती पार्थ पटनायक पार्थबाबू केमती वर्तमान समय टंका जोगाड़ चलती एवं कौन कौन सब वर्तमान समय आरेंजमेंट हो सारा आते समय लगे प्रकृत ऑब्वियसली सब तो फंडिंग चलीचे ना समस्त घर लोक मैंने जमी आम फैमिली मेम्बर क्या ऑफिस स्टाफ मेम्बर कि सांग मैंने साथी से कलेक्शन चली प्रोसेस भी बहुत मानते अलमोस्ट आम इनिशियल प्रोसेस सारा कलेक्शन जितक बट तापर ट्रीटमेंट पे आमको पैसा दरकार होते टाँचा पाखापाखि एवं सुधा जोगाड़ हो सारा कहीं किसी फोन पे नंबर अकाउंट नंबर आउ किसी आप जरिया पैसा पत्र कलेक्शन करते आम मिलाप आप थ्रु रे रिसेंट देखते 33 लाख टाँग कलेक्शन हो सहित बाकी गूगल पे फोन पे ता थ्रु रे अलमोस्ट 30 लाख भाया कलेक्शन हो गला अलरेडी आम इनिशियल जी प्रोसेस अलरेडी आम सब कार्य पेमेंट हो जाइए बाकी ट्रीटमेंट पर जहाँ दरकार लड़ूँ आम आहरी चेस्टा कर पाखापाखि खर्च पाखापाखि कोटी रु 1.5 कोटी भाया खर्च हो गोटे कथा आसे 1.5 कोटी टंकार निर्धारित कराई आप्रोक्सीमेटली 1.5 कोटी टंका अर्थात 1.5 कोटी टंका हूँ लास्ट बर्तमान सुधा आप 60 कोटी टंका 60 लक्ष टंका कलेक्शन कर सारे एवं सुधा आउ कौ माध्यम पैसा पत्र कलेक्शन आम एपर्त कौन बड़ संस्था तो कहीं आगे आसी ना किंतु यही आमर जमी कैंपेन चले कि जमी व्हाट्सअप हो सोशल मीडिया हो आम सब प्रमोशन करके आम कलेक्शन करुचु बाकी अपेक्षार अच्छे जब बैचान्स कि आम हाथ बढ़ाऊँ सरकारी सुविधा सुजोग आवास मिले एपर्त आवास तो किसी मिलनी आशा करुँ आगे मिले जोटा कि
आमे आशा करूँ कि आमको आम गवर्नमेंट तरफ किसी गोटे साहय कि फंड साहय मिल आमपाई बहुत लाभदायक हम किसी मिलनी कितने बर्तमान कालकाटा जाते जन जी के डाक्तरी टीम के माँ अलरेडी सका ट्रेन में पलिले कालकाटा आलरेडी का चार जन डाक्तरी टीम आसी ता सहित एबे एयर आंबुलेंस रे भी आउर केतेज टेक्नीशियन इक्विपमेंट सब नहीं कि प्रोसीजर चलती प्रोसीडियर यह चलती कलिंग हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स गुड़ा सब बाहरी कराई निज इक्विपमेंट सब फिटिंग कर इनस्टॉल कर प्रोटोकॉल जैसे फॉलो करके बाहरी भी उठू अपूर्व आप शुणुले सीधा साल पखापाखि देढ़ कोटी टकर टा बर्तमान समय अभिषेक महापात्र को भल करने जो टाँचा निर्धारित कराई बर्तमान समय पखापाखि 60 लक्ष रू ऊर्धव टाँचा बर्तमान समय जोगाड़ सर तेज सब दस पंद्रह मिनट स्वतंत्र एयर आंबुलांस कोलकाता जीवर उन्नत मान चिकित्सा कर बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना प्रतिनिधि जे कि पूरा अपडेट दे आशाप्रद घर को बीजेपी सामिल हेले कांग्रेस हेवीवेट नेता तथा पूर्वतन केन्द्रमंत्री जितिन प्रसाद केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल आज जितिन प्रसाद को बीजेपी सामिल करजेपी सामिल होगा पूर्व जितिन प्रसाद केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह बासभवन में पहुंची आलोचना करते तेज किदिन कांग्रेस दल हाइकमांड संतुष्ट नथिले जितिन प्रसाद से दल भितर चली विभिन्न विशृंखला को नहीं हाइकमांड पाखे अभियोग करते भी हाइकमांड यह कौन विचार कर आउ यही कारण से आज बीजेपी में सामिल होता जमापड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खूब निकटतर थे जितिन प्रसाद से पूर्वतन मानव संबल विकास राष्ट्रमंत्री थे मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल राष्ट्रमंत्री थे जितिन दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेन्द्र प्रसाद पुव जितिन राजीव गांधी और नरसिंह राव को राजनैतिक परामर्शदाता थे जितिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी। बीजेपी में शामिल होती जितिन प्रसाद पूर्वतन मानव संबल विकास राष्ट्रमंत्री थे जितिन प्रसाद मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल से राष्ट्रमंत्री रहा दायित्व नहीं थे एवं यूपीए रे दीर्घ दिन रहा कांग्रेस रे दीर्घ दिन रहा से आज बीजेपी में विधिवत शामिल होती नूआदिल्ली बीजेपी कार्यालय में पद्म धरी जितिन प्रसाद कहुच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेस निकटतर थे जितिन प्रसाद किंतु दल से चली विशृंखला को नहीं से सामना को आणुले कौन कार्यानुषान कथार विचार को निबू से आज कांग्रेस छाड़ बीजेपी में सामिल होती। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है और ये मेरे जीवन राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आईसीएमआर नेशनल वायरोलॉजी वैज्ञानिकों रिपोर्ट अनुसार कोरोनार डेल्टा वेरिएंट विपक्ष में कोवैक्सीन सबुठ अधिक प्रभावशाली देश में कोरोना महामारी संक्रमण द्वितीय लहर जो आतंक सृष्टि होपरी स्थल संक्रमण दूरे रहा लगे सरकार पक्षर् सार्वजनिक टीकाकरण जारी रही है। भारत में सीरम इन्यूट्र कोविशिल्ड और भारत बायोटेक् प्रस्तुत करोवैक्सीन डोज लोक प्रदान करोना महामारी भूताणु विरोध में कोविशिल्ड बे प्रभावशाली रही है। सेपरी कोवैक्सीन डोज कोरोना भूताणु बीटा B1351 डेल्टा B16172 ए वेरिएंट विरोध में प्रभावशाली सब्यस्त हो एक रिपोर्ट रे प्रकाश पाई। बीटा वेरिएंट दक्षिण आफ्रिकार सृष्टि होता बेले डेल्टा भारत रे सृष्टि हो तो अधिक सूचना पर मो सहयोगी निहारिका अच्छा न्यूज रूम रे सीधा सड़क नहीं चलु न्यूज रूम निहारिका कौन नुआ रिपोर्ट आसी कोविड रो मुकाबला निश्चय भाव में अपूर्व ये कहवाक चाहूँ यहाँ बर्तमान पाई कि इंडिया पाई गोटे बहुत बड़ खबर
जे आईसीएमआर तरफ रु एनआईवी जोटा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जोटा जोठारे कि डेल्टा वेरिएंट जोटा परे आसीची जेमती आपण कहिले डेल्टा वेरिएंट हौची B1617.2 आ गोटे वेरिएंट भी अछि जोटा कि B1351 ए दिटा वेरिएंट बर्तन भारत रे अछि बर्तन समय रे एटा को सबटु मोस्ट डेंजरस वेरिएंट बोली कुआ जाउची जेमती कि आपण जानंती जे आगरो SARS COVID-2 आसीथिला परवर्ती समय रे सेटा म्यूटेशन है कि सेटा डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेटेड वेरिएंट रे परिवर्तन हैला किंतु वर्तमान समय रे जो डेल्टा वेरिएंट जोटा अछि सेटा बहुत बेसी डेंजरस बोली कुआ जाउची और ता विषय रे जो रिसर्च है छि एनआईवी रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी रे आईसीएमआर तरफ प्रोसेसर सेथिरु जो थेसिस प्रकाश पाइछि सेथिरु जणा पडछि भारत रे विकसित कोवैक्सिन सबटु अधिका प्रभावशालीता उपरे तेणु वर्तमान समय रे कोवैक्सिन को नेकी से माने जेते बेले देखी चंती रिसर्च करी चंती सेठी जानी पार चंती कोवैक्सिन टा न्यूट्रलाइजेशन क्षमता कोवैक्सिन रो बहुत अधिका सो से सिचुएशन ने बिल्टा बेटा और डेल्टा वेरिएंट थारु तीन गुणा अधिका होची कोवैक्सिन रो न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया तेणु ए समय एपरी अवस्था रे कोवैक्सिन रो जदि दीटा डोज जणे नै सारिची ताले सेठी कहि परिबा जे डेल्टा वेरिएंट हो बा बीटा वेरिएंट निश्चय भाबरे ता जगह रे अनइफेक्टिव हब बा तांको निश्चय भाबरे कोनोसी कार्य करिवनी जदि कोवैक्सिन आपण दीटा डोज नै चंती एटा को नै कि ऑलरेडी रिसर्च हेई सारिची 20 जण लोकंक उपरे जो माने कि डेल्टा वेरिएंट जोटा कि दक्षिण आफ्रिका रु आसिची ताकु ता द्वारा हेतिले से माने ट्रीटमेंट तांको करा जाइतिला सेतेबेले से मानकु ए कोवैक्सिन रो दुई डोज देला परे से माने डेल्टा वेरिएंट रु मुक्ति पाइचंती तो वर्तमान पई आईसीएमआर तरफ रु एटा आसिची बडा खबर बिल्कुल बडा खबर आसे पहुंची छ खबर सहित कोरोना विरुद्ध रे कोविशील्ड रो केमली भाबे उपयोगी साब्यस्त होई छ डेल्टा जहाँ सूचना आसी पहुंचु छ जे बीटा एवं डेल्टा वेरिएंट विरुद्ध रे कोविशील्ड केमली भाबे अधिक प्रभावशाली का विरुद्ध रे ताकु ने एक रिपोर्ट प्रकाश पाई छ तापर भारत रे केउटना केउठी आश्वस्त प्रकाश पाई छ बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका मो सहयोगी एने न्यूज रूम रो अधिक सूचना देउथले 16 वर्षर कम वयस पिलांक लागि फाइजर कंपनी निर्माता टीकार क्लिनिकल परीक्षण आरंभ करबा को प्रस्तुत एने मंगलवार दिन अमेरिका टीका निर्माता कंपनी फाइजर सूचना दैछे फाइजर कहिछि जे परीक्षण रो प्रथम पर्याय रे कम डोज शॉट चयन कराजिबा परे किछि देश रे क्लिनिकल ट्रायल कराजिबो ए क्लिनिकल ट्रायल रे 6 मास रु 12 वर्षर 4500 पिला शामिल हेबे अमेरिका समेत पोलैंड फिनलैंड और स्पेन रे ए ट्रायल कराजिबो प्रथम पर्याय ट्रायल रे मात्र 144 जन पिलांकु शामिल करा जायतला एहार फलाफल सकारात्मक रहितबारु अधिक पिलांक उपरे टीका परीक्षण करबाकु फाइजर निष्पत्ति नेछे अमेरिकार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अनुसारे सेठारे प्राय 7 मिलियन पिलांकु टीका दिया सरिछे तेबे भारत रे 12 वर्षरु अधिक पिलांकु किभली टीकाकरण करा जाय परिबो ताहाकु नै फाइजर सहित भारत सरकार आलोचना करिछन्ते अमेरिका तरफ रु बहुत शीघ्र भारत पिलामानक पई फाइजर वैक्सीन पहुंचिबार सूचना मध्ये मिलिछे आपण देखछन अर्गस अपडेट ब्रेक रो समय ब्रेकर स्वागत रेल कंटेनर रु ऑक्सीजन लीक घटना रेल जोगे अम्लजान परिवहन बेले कंटेनर रु अम्लजान होइथला निर्गत कलाहांडी केसिंगा रेल स्टेशन निकट रे घटीथले अघटना सूचना पई अग्निशमन विभाग पक्षरु अम्लजान लीक रोकिबाकु उद्यम करी शेषरे आयत करिबाकु सक्षम होइछंती 20 रु ऊर्ध कंटेनर रे अम्लजान झारसुगुडा थारु रायगडा अभिमुखे जाउथला आज संध्या 6 रे बसिबो राज्य कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतारे बैठक अनुष्ठित कैबिनेट केतोटी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे आज आलोचना होई पारे नवीन निवास रु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे शामिल हेबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शासक दल कब्जा रे नयागढ़ जिला प्रशासन जिलापालक आभिमुख्य कुने बड़ प्रश्न परी हत्याकांड विरोधी आंदोलन रो नेतृत्व नेउथवा लक्ष्मी प्रसाद सरपंचक बहिष्कार एवं रंगदेउली पंचायतर सरपंच माधव चंद्र साहू को बिना कारण दर्शा नोटिस रे पदच्युत करिछंती जिलापाल पोमो टुडु सेबडे किंतु साकरी पंचायतर सरपंच पंचायत बैठक को न आसीबा ओ एथिपय लिखित अभियोग सत्वे भी जिलापाल नीरव शासक दल समर्थित सरपंच पय भिन्न नियम मात्र सरकार विरोधी सरपंचक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान जहाक नहीं एबे विवाद रे नयागढ़ जिलापाल शासक दल पई गोटे आईन विरोधी दल पई आउ गोटे आईन
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କର ଏମିତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାହିଁକି? କ'ଣ ଆଇନଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ବିନା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବହୁମତରେ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିଯୋଗ ଏକ, ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାଦୀ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ ଦେବାରୁ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରଙ୍କଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା କହି ବିନା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ରେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିଯୋଗ ତିନି, ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସାକେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ବୈଠକକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଘଟଣାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍। ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ତିନିଟା ଦସ୍ତଖତ କରିନି ବୋଲି ମୋତେ ସେଇଥିରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ପରେ ରାଜନୈତିକ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଲେଖିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ବି ମୋତେ କୌଣସି ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକରି ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅବମାନନା କରିକି ବିଦା ନ କରିବା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ରେ, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଛିଛି କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ କି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ 115 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଅଭିଯୋଗର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଶାସକ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସାକେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କାହା ଚାପରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋମା ଟୁଡୁ? ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଏ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଇନର ଶାସନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନରେ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ପାତରନ୍ତର ନୀତି ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାରି ହୋଇଛି କଟକଣା, ଦିନ 11ଟାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ବଜାର। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ତାସୁକେରୁ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା। tasukeru.com ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ମାତ୍ରକେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର। ଏଭଳି ସେବା ନିଃସଙ୍ଗ ସମୟରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି। କରୋନା କାଳରେ ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଛି ଫିକା, ଅସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଆଉ ତାର ସଂକ୍ରମିତ ସମୟରେ ମଣିଷ ମନରେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ତାସୁକେରୁ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ବରାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି ଭୋଗ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଆପ୍ tasukeru.com ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇ ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏର ମୂଲ୍ୟ 450 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜର ମୂଲ୍ୟ 850 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ। ଆଶୁତୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ 8ଟି ଅର୍ଡର ଦେଇ ଫେରିଲିଣି। ଏଭଳି ସେବା ଦେଇ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଢେର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆଶୁତୋଷ କହନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏବେ ଲକଡାଉନ ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ବି ବହୁତ କଟକଣା ବି ରହୁଛି, 11ଟା ପରେ ଆଉ ଆପଣ ବାହାରୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ସେ ନିଜ ସହ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସୁବିଧା କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଗୋଟେ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହେଉଛି ମାଆ କିମ୍ବା ହେଉଛି ମାଉସ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇକି ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା ବାହାରୁ ଯାଇପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଇକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେଟା ଆମେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେ ଯେଉଁ ମାନେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣର ଅର୍ଡର ପାଇବା ପରେ ବଜାରରେ ଖୋଜି ଖୋଜି କିଣୁଛନ୍ତି ତାସୁ କେରୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆଶୁତୋଷ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସେଓ, ସପୁରୀ, ଲିଚୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ଓ ବ୍ରତ ବହି କିଣି କରାଯାଉଛି ପ୍ୟାକ୍। ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଠିକଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପରେ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ଗୃହିଣୀ ସୁଚିସ୍ମିତା ରାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ହସ। ବଜାରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବରାଦ ମୁତାବକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ tasukeru.com ପରଦିନ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି, ଆଗରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ଅଭଡ଼ା ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଆପ୍ରେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରି ଏବେ ପାଇଲି, କଟକଣା ବେଳେ ଏଭଳି ସେବା ବହୁତ ଭଲ। ଯେମିତି ଆମର ସାବିତ୍ରୀର ନର୍ମାଲି ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ବାକି ଯାହା ବି ଜିନିଷପତ୍ର ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆସିଯାଇଛି ଆଉ। ଯେହେତୁ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଣିକି ଆମକୁ ମାନେ ରିସ୍କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ରଖିକି ଆମକୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଇଟ୍ସ ଅ ବେଟର। କରୋନା କାଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାବିତ୍ରୀ ପର୍ବରେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍କୁ ଏଠାରେ ଖୁସି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।